और बात करेंगे खबरों की। सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का छत्तीसगढ़ आज का दौरा, और आज सुबह 10 बजे पहुंचेंगी रायपुर, शक्ति, जेजेपुर, लोरमी और कोटा में करेंगी जनसभा को संबोधित। यहां पर स्मृति ईरानी के कार्यक्रम को लेकर शेड्यूल जारी किया गया, सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचने की जानकारी मिल रही है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में। तो आज सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचेंगी स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, शक्ति, जयजयपुर, लोरमी और कोटा में जनसभा करेंगी। जनसभा में लोगों को संबोधित करेंगी, वोटों की अपील करेंगी, क्योंकि 17 नवंबर को 70 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इससे पहले 20 सीटों पर मतदान हो चुका है 7 नवंबर को, और यहां पर कई वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया था, और अब वोटरों को लुभाने के लिए, अपील करने के लिए जनता से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए स्मृति ईरानी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, और वो सुबह 10 बजे रायपुर पहुंच जाएंगी। और राहुल गांधी को उनकी पारंपरिक सीट से हराने के बाद से स्मृति ईरानी का कद बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां दी, केंद्र में मंत्री, और उसके अलावा ये बड़ी जिम्मेदारी स्टार प्रचारकों की सूची में भी उन्हें जगह दी गई, और अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करती नजर आएंगी। और बीजेपी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ दौरा लगातार जारी है। हिमंता बिस्वा सरमा आज रायपुर आएंगे, गरियाबंद बालौद में सरमा सभा करेंगे, दुर्ग भिलाई में हिमंता रोड शो करेंगे। दरअसल अनुराग ठाकुर बेलतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। एक तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तो दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर, और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं प्रचार के लिए, जिसमें हिमंता बिस्वा सरमा लगातार प्रचार कर रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ आएंगी प्रियंका गांधी, दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगी और शाम 6 बजे उनका रोड शो होना है, कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगी प्रचार। राजीव गांधी चौक से प्रियंका गांधी का काफिला निकलेगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील जनता से करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। एक बार फिर अपना भाषण पढ़ेंगी और दोपहर 2 बजे वो पहुंचेंगी छत्तीसगढ़ रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, आगामी 17 तारीख को दूसरे चरण का जो मतदान होना है, कांग्रेस पार्टी की 70 विधानसभा सीटों पर उतरे प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक प्रमुख चेहरा है, और आज दोपहर 2 बजे वे रायपुर पहुंचेंगी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए। तो प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में होंगी आज, एक तरफ स्मृति ईरानी जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगी और सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगी, प्रियंका गांधी 2 बजे आएंगी छत्तीसगढ़, और यहां पर उनका रोड शो भी है जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। 2 बजे वो रायपुर पहुंचेंगी और उसके बाद उनका रोड शो होगा, शाम 6 बजे रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इस पर बात करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी क्या आज प्रचार कर रही है, इस पर बातचीत करेंगे। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, अब चूंकि 17 तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई है, दूसरे चरण का वोटिंग होने में बहुत ज्यादा समय नहीं, और फिर 48 घंटे पहले आदर्श आचार संहिता के चलते प्रचार भी रुक जाएगा, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, कांग्रेस पार्टी भी जोर लगाए हुए है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है, कहां कहां किन किन पार्टी के बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं आज? देखिए आशीष, अगर हम बात करें 15 तारीख को शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा, और इससे पहले चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम जो बड़े जो राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं अपनी ताकत लगातार झोंक रहे हैं, जो स्टार प्रचारक की जो सूची बनी हुई है सभी लगातार सघन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। प्रियंका गांधी आ जाएंगी रायपुर में, एक बड़ा रोड शो करेंगे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक तैयारियाँ की गई हैं, और इसके बाद स्मृति ईरानी भी अब लगभग 10 बजे पहुँच जाएंगी, वो भी प्रचार प्रसार में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकेंगे। और उसके अलावा हेमंता बिश्व शर्मा हैं जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो भी यहाँ पर आएंगे, अनुराग ठाकुर है केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम जगहों पर जो प्रचार प्रसार होगा, रोड शो का आयोजन किया गया है, कई जगह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल लगातार ताबल तोड़ दौरा है वो कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्रों में, खुद वो प्रत्याशी हैं पाटन में, तो अपना प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अन्य जो विधायकों को जो जिताने की जवाबदारी है उनके ऊपर है, वो भी लगातार सघन जनसंपर्क है वो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभाएँ कर रहे हैं। और चूँकि प्रथम चरण के चुनाव में पहले फेज में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर उनका मतदान हो चुका है, ऐसे में वो भी लगातार अब अपने पार्टी के जो विधायक हैं बिल्कुल बाकी की बची हुई 70 सीटों के लिए तमाम दिग्गज नजर आएंगे चुनावी मैदान में। छत्तीसगढ़ का दौरा, तमाम बड़े बड़े चेहरे आज यहां पर नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच बढ़ते हैं आगे रायपुर से, एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, 15 नवंबर को रायपुर आएंगे अमित शाह, जिले के 4 विधानसभा में रोड शो करेंगे, 4 विधानसभाओं में जनता को संबोधित करेंगे अमित शाह। बड़ी बातें क्या कुछ रहेंगी उनकी मन से, क्या कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी प्रचार अभियान में मन से उन्होंने बात रखी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया है और जिले की 4 विधानसभा में रोड शोज उनके होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई विधानसभाओं के प्रत्याशी यहाँ पर उनके साथ मौजूद होंगे और रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के दौरे पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी भी 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे और बलौदाबाजार में बेमित्रा में जनसभा करेंगे। शैलेश नितिन त्रिवेदी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, बेमित्रा में आशीष छाबड़ा के पक्ष में प्रचार करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और राहुल गांधी का भी दौरा 15 नवंबर को होगा, शैलेश नितिन त्रिवेदी के पक्ष में वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और ताबड़तोड़ लोगों के बीच जाकर बड़ी घोषणाएं और किसी भी तरीके से लोगों को अपने पक्ष में, पार्टी के पक्ष में, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील करते नजर आएंगे। और राहुल गांधी ने भी कई बड़ी घोषणाएं की जिसमें KG-PG फ्री एजुकेशन और इस पर, इसके अलावा भी जो तेंदुपत्ता संग्रहकों को मानदेय बढ़ाए जाने संबंध में बहुत बड़ी घोषणाएं यहां पर की जा रही हैं। अब इस चुनाव में लोगों का समर्थन मांगने के लिए बड़े चेहरे धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के रण में धुआंधार प्रचार कर रहे सीएम भूपेश बघेल ने कोरिया जिले में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कांग्रेस चुनाव जीती तो 2 और नए संभाग बनाए जाएंगे, कोरिया और रायगढ़ जिले को संभाग का दर्जा मिलेगा। गौरतलब है कि बैकुंठपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंह देव ने रायगढ़ को संभाग बनाए जाने की मांग की है। गुलाब भी कह दी, अंबिका भी कह दी, अमर सरकार बनी, एक नहीं 2 संभाग बनी है उपरा। पहला 2 संभाग हम बनाबो, एक कोरिया और दूसरा रायगढ़। कांग्रेस की सरकार बनाओ 2 संभाग, कोरिया संभाग और रायगढ़ संभाग। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कई बार झड़प देखने को मिली है और एक बार फिर विरोधी दलों के कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ गए, विवाद इतना बड़ा कि मामला थाने तक पहुंच गया। आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही ये दोनों तस्वीरें इसकी गवाह है। पहली तस्वीर बिलासपुर जिले की है जहां वोटर लिस्ट बांटने को लेकर विवाद हुआ, जबकि दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कोरबा जिले की है। बिलासपुर और कोरबा से सामने आई ये 2 तस्वीरें जहां पर मारपीट हुई बिलासपुर और कोरबा में, ये चुनाव प्रचार का असर है। चुनाव में आपसी मतभेद जो है वो सपोर्टर्स के बीच भी देखने को मिलता है और सपोर्टर्स भी अक्सर अंशिका एक दूसरे से उलझते नजर आते हैं और अपने नेता के प्रचार के चलते ये अपनी निजी सुरक्षा को भी ताक पर रख देते हैं। बिलासपुर और कोरबा में भी ऐसा ही कुछ विवाद देखने को मिला जहाँ चुनाव प्रचार के दौरान हुई खींचतान के चलते ये विवाद हुआ। तो बिलासपुर में विवाद हुआ जहां सरकंडा थाना क्षेत्र के बांधवा पारा अटल आवास कॉलोनी में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए।
बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट बांटने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गया। बस क्या था, बीजेपी के पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने लगी। दरअसल दोनों पक्षों के बीच इस दौरान जमकर गाली गलौच हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक जा पहुंचा। दोनों पक्ष शिकायत दर्ज कराने सरकंडा थाने पहुंचे और उसके बाद ये सामने आई तस्वीर, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी देखी जा रही है। बांधवा पारा में अटल आवास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। चुनाव प्रचार में जो मतभेद है वो विवाद तक जा पहुंचा। और चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट की खबर कोरबा से भी सामने आई, जहां लक्ष्मण वन क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सिटी कोतवाली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने 5 आरोपियों पर हमला किए जाने की बात कही है, साथ ही बीजेपी पर हमला करवाने का आरोप यहां जो पीड़ित है उनके द्वारा लगाया गया। पहले चरण का चुनाव हो जाने के बाद कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की और इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के महतारी वंदन योजना को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। बलरामपुर में महतारी वंदन योजना का पैम्पलेट छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राजपुरा स्थित सौरभ फ्लेक्सिस प्रिंटिंग को सील कर चुका है। आरोपों के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस संचालक महतारी वंदन योजना का पैम्पलेट छापने का दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि कमलनाथ ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मैंने सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया, मेरे मंदिर जाने से बीजेपी के पेट में दर्द होता है। सवाल, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दे दिया है जिसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग हिंदू विरोधी हैं, उस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे कमलनाथ जी? देखिए, मैं नहीं जानता क्या किसने कहा, मैं ये जानता हूँ ना हम हिंदू विरोधी है, हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। बीजेपी के पास जब कुछ बचता नहीं है ये धर्म को राजनीतिक मंच पर ले जाते हैं। जी, लेकिन आजकल आप भी मंदिर जा रहे हैं, हालांकि आपने तो एक बड़ा हनुमान मंदिर भी बनाया हुआ है जो हमारी जानकारी है तो छिंदवाड़ा में। लेकिन देखिए, 14 साल पहले जी, मैं आपका जवाब मैं आपका जवाब जल्दी दे दूं क्योंकि मुझे जाना है, मैं आपको बता दूं जी, 14 साल पहले मैंने सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया, कोई इसमें राजनीति नहीं थी। आज बीजेपी के पेट में दर्द होता है अगर मैं मंदिर जाता हूं, उनके पेट में क्यों दर्द हो, सबकी अपनी भावना है। अगर मैं कोई धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं, इनके पेट में दर्द होता है, नहीं आपके कि चुनावों से पहले राहुल गांधी जाते हैं मंदिर, प्रियंका गांधी वाड्रा जाती है मंदिर, और दिग्विजय सिंह ने तो अरे भाई राहुल गांधी जहां भी अगर कोई धार्मिक स्थान हो, अरे ये सीधी बात है, कोई धार्मिक जगह हो, प्रियंका गांधी गई थी, जब वो गई उन्होंने नर्मदा पूजन किया, इसमें ये तो स्वाभाविक है वो करेंगी। अगर ऐसी कोई धार्मिक चीज हो वो करेंगे, पहले से करते थे, चुनाव से इसका क्या लेना देना। और खबरें जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।